हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मैं वापस आ गया हूँ दुमका भागलपुर रेलखंड के इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट वाले वीडियो के साथ। ये नज़ारा आप भागलपुर की तरफ का देख रहे हैं, ये पटरी मंदार हिल की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पोल लगा है, अभी तक वायरिंग लगाने का यानी तार लगाने का काम नहीं हुआ है। यह नज़ारा हंसडिया स्टेशन की तरफ का है, बगल में गुड्डा वाली लाइन है जो कि अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन से कोसों दूर है, वहाँ का टेंडर नहीं आया है। ये देख रहे हैं, ये नज़ारा हंसडिया स्टेशन की तरफ का है, यहाँ भी वायरिंग नहीं हुआ है। स्टेशन पे पोल वगैरह लगा दिए गए हैं, बस वायरिंग का काम करना बाकी है। अब इस जगह से आपको स्टेशन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पे कितना काम हुआ है और क्या काम हुआ है। आप देख सकते हैं स्टेशन पर बस सिर्फ पोल लगाया गया है, पोल लगाने का काम, उसके अलावा जो भी बाकी जो इलेक्ट्रिफिकेशन के पार्ट्स होते हैं वो लगाने का काम पूरा हो गया है, सिर्फ वायरिंग करना बाकी है। इसके अलावा ये भागलपुर की तरफ जाने वाली पटरी का दृश्य है, आप देख सकते हैं हर तरफ पोल लगा दिया गया है, अब सिर्फ वायरिंग करना बाकी है। इस वीडियो में आप देख सकते होंगे किस तरह हंसडिया स्टेशन पर खूब जोर शोर से काम चल रहा है, कुछ ही दिनों में यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। मैंने आपको पूरा स्टेशन दिखा दिया, अब यह नज़ारा दुमका की तरफ जाने वाली लाइन का है। आप देख सकते हैं यह लाइन सीधे दुमका की तरफ जा रही है, उसमें भी वायरिंग का काम नहीं हुआ है, बाकी सारा काम कंप्लीट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यह पटरी दुमका की तरफ जा रही है, इस पर भी अभी तक तार लगाने का काम नहीं हुआ है। हंसडिया से दुमका की तरफ आगे बढ़ने के बाद नोनीहाट स्टेशन है, देख सकते हैं आप, यह नोनीहाट स्टेशन का नज़ारा है। यहाँ पे भी अभी तक वायरिंग का काम यानी तार लगाने का काम नहीं हुआ है। नोनीहाट के बाद आता है बाराप्लासी स्टेशन, आप देख सकते हैं बाराप्लासी स्टेशन पे भी सिर्फ पोल लगाने का काम हुआ है, वायरिंग का काम नहीं हुआ है। जहाँ तक मैंने सुना है वायरिंग का काम कुछ ही दिनों में दुमका की तरफ से शुरू होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। यह दुमका स्टेशन का आउटर है, आपको दिख रहा होगा जसीडी वाली लाइन और भागलपुर वाली लाइन, दोनों पे पोल लगाने का काम पूरा हो गया है और बहुत जल्द भागलपुर वाली लाइन में वायरिंग का काम होने वाला है। जसीडी लाइन का काम अभी फ़िलहाल आगे नहीं होगा और अगले वीडियो में मैं आपको और भी होने वाले कामों का अपडेट दूंगा।